हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मरीज मिले, 15 लोग कोरोना से हुए ठीक, कोरोना के चलते किसी की भी नहीं हुई मौत। कुन्हाना में डीएपी की किल्लत से परेशान किसान, किसानों ने सरकार से किल्लत को दूर करने की मांग, कहा खाद नहीं मिली तो नहीं होगी बिजाई। गुरुग्राम में दीपावली के त्यौहार को लेकर हरियाणा फायर विभाग अलर्ट, भीड़ वाले इलाके में टीम की तैनात, लोगों से की अपील, दिवाली पर सभी लोग बरते सावधानी। गुरुग्राम के पटौदी पैलेस में दीपावली मनाएंगे सैफ अली खान, करीना और तैमूर के साथ पहुंचे पैलेस, एक हफ्ते तक पैलेस में रहेंगे सैफ अली खान। नूह शहर में पटाखों की दुकान पर एसडीएम सलोनी शर्मा ने मारा छापा, भारी मात्रा में पटाखे जब्त, पाबंदी के बावजूद अवैध तरीके से बेचे जा रहे थे पटाखे। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है, पावर यूटिलिटी के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, 1500 रुपए मिलेगा दिवाली बोनस, अनुबंधित कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा चंडीगढ़ से, सीएम मनोहर लाल ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है, पावर यूटिलिटी के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, 1500 रुपए दिवाली बोनस मिलेगा, अनुबंधित कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। उस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सीएम मनोहर लाल ने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है, बड़ी घोषणा की है, पावर यूटिलिटी के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, 1500 रुपए दिवाली बोनस मिलेगा, अनुबंधित कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। तो एनएचएम कर्मचारियों को सीएम मनोहर लाल ने दिवाली का तोहफा दिया है, 7वें वेतन आयोग का उन्हें लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को दीपावली के त्यौहार पर 7वें वेतन आयोग का तोहफा दिया है, और मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उनके लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। उस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है, कर्मचारियों को सीएम ने दिवाली का तोहफा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकेश, दिवाली पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है, पावर यूटिलिटी के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिवाली के शुभ अवसर पर 1500 रुपए का बोनस देने की घोषणा की है जी। इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा विद्युत बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के कर्मचारी शामिल हैं जी। विकेश, इससे पहले भी मुख्यमंत्री अरिश्रा में 11 अगस्त 2021 को हुई राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में इस मामले को उठाया गया था, और बैठक के दौरान जो निर्देश मिले थे उसी के अनुपालन में फाइल को फिर से प्रस्तुत किया गया था, और उसके बाद अब इस पर मोहर लगा दी गई है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कर्मचारियों को पहले ही 2 दिन पहले ही बता दिया गया था कि आपको दिवाली 1500 रुपए बोनस में दिया जाएगा। विकेश, जब सीएम मनोहर लाल ने 56वें हरियाणा दिवस के मौके पर सबको संबोधित किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग में हो रही भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, उनकी सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के 7 साल के कार्यकाल में 83,000 सरकारी नौकरियां दी है। बिल्कुल यही बोला गया था, उन्होंने ये भी कहा था कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देगी हरियाणा सरकार, अगर किसी को भी कोई भी परेशानी आती है तो वो मेरे ट्विटर पर मैसेज करे, उसको तुरंत से हल किया जाएगा। शुक्रिया विकेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है, पावर यूटिलिटी के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, 1500 रुपए दिवाली बोनस मिलेगा, अनुबंधित कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। तो सीएम मनोहर लाल ने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है, 1500 रुपए दिवाली बोनस मिलेगा, साथ ही अनुबंधित कर्मचारियों को भी ये बोनस मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, पावर यूटिलिटी के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, एनएचएम कर्मचारियों को सीएम मनोहर लाल ने दिवाली का तोहफा दिया है, 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
उस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, मुख्यमंत्री ने संबंध में उनके लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री ने एनएचएम के अनुबंध कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए अथक प्रयासों की सराहना करते हुए इन सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री के रिश्ता में 11 अगस्त 2021 को हुई राज्य स्वास्थ्य समिति की आम सभा की बैठक में उस मामले को उठाया गया था और बैठक के दौरान मिले निर्देशों के अनुपालन में फाइल को फिर से प्रस्तुत किया गया और उसके बाद अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे, खबर गुरुग्राम से है जहां पर सर्दी शुरू होते ही स्मॉग का लेवल भी बढ़ना शुरू हो गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल 200 के पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की शुरुआत होते ही गुरुग्राम में स्मॉग का कहर शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के नेशनल हाईवे पर, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस कदर एक धुआं सा दिखाई दे रहा है। असल में ये धुंध या धुआं नहीं है, ये स्मॉग है जो सर्दी के कारण जो हानिकारक हवा है वो ऊपर नहीं उठ पाती और यहीं पर नीचे ही रह जाती है। और आज की अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें गुरुग्राम की, तो आज का AQI 195 से 200 के करीब है गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में, जो कि सेहत के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है और एक तरह से चेतावनी मानी जाती है। इस दौरान बुजुर्गों और बच्चों को घर में ही रहने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये काफी घातक सिद्ध हो सकता है। जो अस्थमा के रोगी हैं उनके लिए भी ये बड़ा खतरनाक सिद्ध होता है। और अभी दिवाली आज का और कल का दिन बाकी है, कहीं ना कहीं पटाखे जरूर चलेंगे, तो उससे साफ जाहिर है कि जो आगे आने वाले 2 से 3 दिन है उससे गुरुग्राम की जनता को पॉल्यूशन से जूझना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं PM2.5 का लेवल भी इसमें ज्यादा हो सकता है, जो कि बेहद हानिकारक माना जाता है सेहत के लिहाज से। तो यदि हम अपना सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो इस दिवाली पटाखे ना चलाएं और पॉल्यूशन को ना बढ़ाएं, क्योंकि जो अभी AQI है वही बेहद खराब स्थिति में है और यदि पटाखे चलते हैं तो उसकी हालत क्या होगी ये भी सोचने का विषय है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। बढ़ते हैं आगे, इलाहाबाद उपचुनाव जीतने के बाद अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। सबसे पहले उन्होंने सभी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। अब भी टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसानों से बात करूंगा, अगर किसान चाहेंगे तो फिर से बड़ा फैसला लूंगा। आज जो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, जिसके 35,000 वोट आए थे पिछली बार, इस बार उसकी जमानत जब्त हुई। इसका मतलब है ये तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। उस आंदोलन को कहीं बदनाम करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया और तीनों के मिलने के बावजूद यहाँ सरकार को, कांग्रेस को, इसको जेजेपी को सबक सिखाया। एलनाबाद
बाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत के बाद गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, खुद ही सुनिए। चाहे अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं, पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी जो सारे देश में आग लगाने का काम कर रही, उसको भी अपनी हैसियत ऐलनाबाद के लोगों ने। यह रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ।